लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पेट्रोल डीजल कीमतों में नॉनस्टॉप बढ़ोतरी से राजस्थान भी प्रभावित, सीएम राजे ने तोड़ी चुपी, जाने क्या कहा जयपुर। मोदी सरकार इन दिनों चार वर्ष की उपलब्धियां गिनाने को लेकर जनता के बीच जा रही है, वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का आलम जारी है। कर्नाटक में चुनाव संपन्न होने के बाद तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सोमवार को फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गईं। पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 11 पैसे महंगा हो गया है। इधर पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से हर राज्य की तरह राजस्थान भी प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब पेट्रोल की कीमतें 80 रुपए के आंकड़े को पार गई हैं। डीजल की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर को छू गई हैं। राजधानी जयपुर में पेट्रोल की मौजूदा कीमत 81.05 रुपए है, जबकि डीजल 73.64 रुपए पर बिक रहा है। ये दिया सीएम राजे ने जवाब मोदी सरकार के चार वर्ष की उपलब्धियां गिनाने के लिए। रविवार को पत्रकारों से मुखातिब हुई सीएम राजे ने भी पेट्रोल डीजल कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि वे इस सवाल पर खुलकर नहीं बोली, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहकर अपना जवाब पूरा कर लिया कि सरकार इस मसले पर चिंतित है और जल्द ही कुछ अच्छा हल निकलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी भरोसा दिलाते हुए कहा था, हम एक मजबूत फॉर्मूला बनाने की कोशिश में हैं और समस्या के हल पर काम कर रहे हैं। प्रधान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी तेल संकट की बड़ी वजह है, विकास के दम पर फिर बनाएंगे सरकार। इस बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिर से सत्ता में आने का विश्वास जताया है। राजे ने कहा कि एनडीए की सरकार ने पिछले चार वर्षों में देशवासियों के जीवन में खुशहाली ला दी है। सरकार की योजनाओं ने सीधे तौर पर 22 करोड़ गरीबों की जिंदगी को बदल दिया है। देश में हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों के दम पर मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत की साख दुनिया भर में बढ़ाई है, अच्छी नीयत और साफ सोच के साथ काम कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई और देश को बेहतर गवर्नेंस प्रदान की। एससी/एसटी वर्ग के उत्थान के लिए 95,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट दिया और एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत बनाया। राजे ने कहा कि केंद्र की उज्ज्वला, मुद्रा, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं से छोटे छोटे गांवों की भी दशा और दिशा बदली है। चार साल में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,69,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनी हैं। आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में भारत अग्रणी बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों की आशाओं और उम्मीदों पर खरी उतरी है और विकास का एक स्वर्णिम अध्याय लिख रही है। भ्रष्टाचार पर लगाम, पिछड़ों का हुआ